नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की सीरीज चल रही है उसी सीरीज का एक पार्ट है। और इस वीडियो में जो भारत के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में भी हमने इसी बारे में बात की थी। लगभग 40 पार्ट में बनाने वाला हूँ इस सीरीज के, ताकि अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो जाए। लगभग 2000 क्वेश्चन जो भारतीय संस्कृति के हैं इंडियन कल्चर के वो कवर हो जाए, तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिरों, जिसमें एक तो है मोढ़ा जो कि गुजरात में है, एक है कोणार्क में कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा में है, एक है सूर्यन कोविल जो कि तमिलनाडु में है, और एक है मारतंड। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको भी बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट बैठता है आपके लिए, क्योंकि इसमें चारों सूर्य मंदिरों के स्थान बताए गए हैं। ठीक है, मोढ़ा गुजरात में है, कोणार्क ओडिशा में है, और सूर्यन कोविल ये तमिलनाडु में है, तो मारतंड जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ये आपको चारों बातें ध्यान रखने की, चारों सूर्य मंदिर जो हैं वो कहां पर हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि चार धाम जो शंकराचार्य के द्वारा चार धामों की स्थापना की गई थी वो किस किस जगह पर की गई थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आगे बता दूंगा एक दो बार यदि क्वेश्चन आते हैं तो चारों के बारे में, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए 32वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, यदि आपने चारों को देख लिया अच्छे तरीके से तो आप इसे भी कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर, तो चार स्थान पर है सूर्य मंदिर, चारों दिखा चुका हूं मैं, तो मारतंड जम्मू कश्मीर है, मोढ़ा गुजरात में है, और सूर्यन कोविल तमिलनाडु में है, लेकिन पाटलिपुत्र में कोई नहीं है, अगर एक है तो वो है कोणार्क में, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है ओडिशा में पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध श्लोत्कर्षण कैलाश मंदिर कहां पर स्थित, तो कैलाश मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये एलोरा की गुफाओं में है, ऑप्शन बी एलोरा। और नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थान किस राज्य में पवित्र स्थान अमरनाथ और वैष्णो देवी हैं, तो अमरनाथ और वैष्णो देवी दोनों की दोनों एक जगह पर हैं और वह हैं जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर स्थित है, किस मतलब किस जगह पर है जो दांत का मंदिर है, तो ये है आपका कैंडी में। ठीक है, ऑप्शन सी कैंडी में दांत का मंदिर। अब कैंडी में कैंडी क्या है, कैंडी एक थोड़ा सा मतलब एक जगह है कैंडी जो कि श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका में दांत का मंदिर यहाँ पर स्थित है। देखिए दांत का मंदिर क्या अवस्था में आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो यहाँ पे एक दांत का मंदिर में जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध का यहाँ पे एक दांत है, ठीक है, उसी का मंदिर बना दिया गया मतलब दांत को लेकर, तो इसलिए इसे दांत का मंदिर बोलते हैं। ये कैंडी श्रीलंका में है और मतलब दिल, श्रीलंका का दिल कहते हैं कैंडी को। नेक्स्ट की एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है, जो एलोरा की गुफाएं हैं वो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो बौद्ध जैन हिंदू तीनों से संबंधित हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये समर्पित है भगवान विष्णु को, ठीक है, ऑप्शन बी भगवान विष्णु। अलकनंदा जो नदी है बहती है बद्रीनाथ के किनारे पर। नेक्स्ट है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर है जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है ये। और नेक्स्ट है कि धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है, तो बोध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर है, तो वह आपका बिहार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की अमरनाथ गुफाएं स्थित हैं, तो अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में है, मतलब किस राज्य, यहाँ पे चारों राज्य हैं, तो किस राज्य में है अमरनाथ की गुफाएं, तो वह जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अमरनाथ या फिर जो वैष्णो देवी है दोनों दोनों जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर स्थित है, तो इन चारों में से कहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो इसमें से कोणार्क में है, ठीक है, कोणार्क ओडिशा में है ये, तो यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि नटराज मंदिर है स्थित है, नटराज मंदिर एक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति आपने जरूर देखी होगी, भगवान शिव की ये एक नृत्य करती स्थिति में, भगवान जो शिव नृत्य कर रहे हैं उस स्थिति में है नटराज की मूर्ति, और ये चिदम्बरम में, ऑप्शन सी चिदम्बरम में नटराज मंदिर। नेक्स्ट की विश्व विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव के जो मंदिर है वो किस मतलब किस जगह पर है कंदरिया महादेव के मंदिर, तो वह है खजुराहो में, ऑप्शन डी खजुराहो। चंदेल वंश के शासकों ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था, कंदरिया महादेव जो है वो यहीं पर है। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, रथ मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि रथ मंदिर इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी आकृति जो है वो रथ के तरह है, मतलब जो रथ होते हैं इस तरीके से और नीचे पहिए भी लगे हुए हैं उसी तरीके से, और ये जो रथ मंदिर है वो मामल्लपुरम में है, ऑप्शन बी मामल्लपुरम। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका तंजावुर में है। एक विश्वनाथ मंदिर बहुत पूछा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और वृद्धेश्वर मंदिर ये तंजावुर में है। और नेक्स्ट है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, जैसे कि नाम से पता चलता है महाबोधि
मतलब कि जहां पे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में है, ऑप्शन सी बोध गया बिहार में। नेक्स्ट है कि रघुनाथ मंदिर कहां पर है इन चारों में से, तो रघुनाथ मंदिर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में नहीं जम्मू में, ऑप्शन बी जम्मू। नेक्स्ट है कि 64 योगिनी मंदिर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर जो है वो इन चारों में से किस जगह पर है, तो पहले आपको खुद सोचने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर है, तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो आपका खजुराहो में, ऑप्शन बी खजुराहो। नेक्स्ट है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में है सास बहू का मंदिर। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली खास बात नहीं होती है, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ पे है, बाकी प्रैक्टिस करनी है आपको। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, जैसे कि 50वां क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर मंदिर, तो ये आपका उज्जैन में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी भूत प्रेत मतलब व्याधाएं होती हैं वो सब महाकालेश्वर मंदिर में सब जाके उज्जैन में सब समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर ये एक बहुत ही जाना पहचाना मंदिर है, उज्जैन में है, याद रखना है। और नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, जगन्नाथ मंदिर जहाँ से रथ यात्रा निकलती है वहीं पे ये जगन्नाथ मंदिर है, और ये पुरी में है, पुरी कहाँ पे, पुरी उड़ीसा में, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि हर मंदिर अवस्थित है, तो हर मंदिर साहिब कहाँ पे है, ये आपके हर मंदिर साहब है पटना साहिब में, ऑप्शन सी पटना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 53 और 54 दोनों इम्पोर्टेंट, अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि तीन मंदिर कौन से हैं जो खजुराहो में है, ठीक है, यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन पता चल जाएगा जो खजुराहो में है। तो इसमें से पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, ये तीनों के तीनों जो है वो खजुराहो में है, और जो लिंगराज मंदिर है ये ओडिशा में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर जो है वो ओडिशा में है। अब ये तीनों के तीनों पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और कंदरिया महादेव, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, आपके खजुराहो में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में नहीं है, अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ओडिशा में नहीं है। तो भाई देखो इसमें से सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि ओडिशा में है। विश्वनाथ मंदिर, ये विश्वनाथ मंदिर आपका देखिए वाराणसी में भी है, ठीक है, और वाराणसी में भी है और ये खजुराहो में भी है, ठीक है, खजू राहु इन दोनों जगह पर है विश्वनाथ मंदिर। नेक्स्ट है कि हजरत बल दरगाह स्थित है, ये मस्जिद है हजरत बल दरगाह, तो ये किस जगह पर स्थित है, ये आपकी श्रीनगर में, इंपॉर्टेंट है हजरत बल दरगाह। अमरनाथ मंदिर, ये तो कई बार हो सका है कि किस राज्य में है अमरनाथ मंदिर, तो वो जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट है कि होयसल स्मारक मंदिर पाए जाते हैं कहाँ पर, जो होयसल मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है एक जगह होयसल, तो यहाँ के जो मतलब किस जगह पर ये मंदिर पाए जाते हैं, किस जगह पर ये मंदिर मिलते हैं, तो हेलेबिड और बेलूर इन दोनों पर जगह पर मिलते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, तो भारत की सबसे मानी हुई दरगाह है ये अजमेर में, और ये मैनुद्दीन चिश्ती की है, ऑप्शन डी मैनुद्दीन चिश्ती, और जो शेख सलीम चिश्ती है इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है, तो बद्रीनाथ ये आपका उत्तराखंड में है जगह, और अलकनंदा नदी जो है इसके किनारे पर बहती है। नेक्स्ट है कि वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, वैष्णो देवी और अमरनाथ ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। उत्तरी धाम क्या है, देखिए ये मैंने आपको शायद इस वीडियो में या फिर पिछली वीडियो में बताया था कि चारों धाम जो चार धाम है उनके बारे में बताया था, चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तरी धाम कहलाता है, तो जो चार धाम है उसमें से जो उत्तरी धाम है वो कौन सा है, ठीक है, तो उत्तरी धाम है आपका जो बद्रीनाथ में है, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में है, यहाँ पे उत्तर में पड़ता है आपका बद्रीनाथ। पूर्वी धाम कहाँ पे है, पूरब किधर है, पूरब इधर है, और इधर क्या पड़ता है हमारा इन चारों में से, बद्रीनाथ है, पुरी, द्वारका या मैसूर, तो वह आपका पुरी, ठीक है, पुरी। और ज्योतिष पीठ कहाँ पर है, ठीक है, 62वां, ये 63वां है कि ज्योतिष पीठ की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, तो वो की गई है आपकी बद्रीनाथ में, क्योंकि जो उत्तरी धाम है उसी को कहते हैं ज्योतिष पीठ, उत्तरी धाम को। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, श्रृंगेरी पीठ जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका मैसूर में है, ऑप्शन डी मैसूर, कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, 65वां है कि गोवर्धन पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये पुरी में है, जो आपकी पूर्वी है ना, पूर्वी पीठ, उसी को कहते हैं हम गोवर्धन पीठ। और है शारदा पीठ कहाँ पर स्थित है, शारदा पीठ की यदि बात करते हैं जो आपका गुजरात में है, द्वारका गुजरात, इसे बोलते हैं हम शारदा पीठ,
शारदा पीठ, ठीक है। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे करेंगे बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही है, और किसी में डाउट हो तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं यदि वीडियो को अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप लगातार ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करते हो तो उस वाले बेल के आइकन को जो दबा देना ताकि वीडियोज आपको मिलती रहें। तो वीडियो में इतना था, देखने के लिए धन्यवाद।